2020 का चुनाव में मुख्यमंत्री कौन, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव मेरे तरफ से, तो नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव को भरपूर सपोर्ट करेंगे। आई चूज नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव को भरपूर सपोर्ट करेंगे। मेरे ख्याल से परफेक्ट जी। नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू एक बार फिर आप तमाम पटना शहर के जनता मतदाता को हम अभिनंदन करते हैं। हम लेकर आए हैं बीएफ समाचार, यूट्यूब चैनल का बीएफ समाचार 24/7। जी हाँ, हम जानकारी अब लेते हैं कि 2020 में जो बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो अगला मुख्यमंत्री कौन, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? यहाँ के जो हमारे तमाम जितने भी पटना के जो मतदाता है, हम उनसे भी राय जानेंगे, खास करके यंग लोग का, क्योंकि यंग का भी पावर बहुत अच्छी है और बिल्कुल जोश के साथ में लोग उत्साह के साथ में वोट करने जाते हैं। हम उनसे भी राय लेंगे। जी नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम मनीष पांडे। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? गौरव कुमार मिश्रा। मनीष पांडे जी, और गौरव जी आपसे भी जानकारी लेंगे कि 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव में अगला मुख्यमंत्री कौन, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो आई चूज नीतीश कुमार, बिकॉज नीतीश कुमार हैज़ डेवलप्ड मैनी थिंग्स, रोड, बिजली, हर घर नल जल योजना। सो आई थिंक नीतीश कुमार इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी एज ए सी एम, एज अ वेटरन सी एम। सो इफ आई विल हैव टू चूज, आई चूज नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव क्यों नहीं? तेजस्वी यादव ही इज़ गुड एम्बेसडर आई थिंक, बट ही हैज़ नॉट एनफ एक्सपीरियंस। सो आई थिंक ही इज़ नॉट एबल टू एज अ सी एम कम्पिटेटिवली नीतीश कुमार, एंड ही हैज़ गॉट गिफ्टेड हेरिडिटी ऑफ लालू यादव। सो इन टर्म्स ऑफ RJD एक्सपीरियंस्ड लीडर, लाइक मैनी एक्सपीरियंस्ड लीडर इन RJD, आई विल वोट। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए। मेरे हिसाब से भी नीतीश कुमार, अगर मुख्यमंत्री का चेहरा देखा जाए तो सही है, लेकिन जो इनका आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, एजुकेशन आरक्षण, खास करके हम युवाओं के लिए, वो बहुत हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, हम जनरलों के लिए, और इससे हम लोग बहुत खफा हैं। और इसलिए नीतीश, जो हम लोग के तेज प्रताप यादव या तेजस्वी यादव हैं, वो युवाओं के लिए नया चेहरा उभरता हुआ है, और इसलिए हम लोग ज़ोर शोर से उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो युवाओं को पहले देखते हैं और बाकी सब बाद में, क्योंकि देश चलेगा तो युवाओं से ही चलेगा, और युवाओं हम युवाओं तेजस्वी यादव को भरपूर सपोर्ट करेंगे। आप बताइए। भैया लोग जैसे बोले हैं तेजस्वी यादव, तो भैया लोग तो अपने वोट देंगे ना, आप अलग दीजिएगा ना। एज ही नहीं हुआ। अच्छा चलिए, एज नहीं हुआ भैया लोग का बात ये एक खासकर ये बात ये है कि थोड़ा सा वो जो है वो मतलब माहौल क्रिएट नहीं कर पाते हैं, और ये जो है थोड़ा चुनावी माहौल से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इस चलते थोड़ा इनको ज़्यादा वैल्यू मिल जाता है, लेकिन ऐसा हम लोग के लिए कुछ नहीं है। हम लोग के लिए दोनों भाई इक्वल हैं और हम लोग दोनों भाई को फुल सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए भाई, अभी क्रिकेट का मैदान है, यहाँ की से शुरुआत हम करते हैं। यहाँ पर मैच बिल्कुल जो उत्साह के साथ में जो मैच जो खेला जाता है, यहाँ पर अभी लगे हुए हैं, और ये अभी 50 रन पार कर चुके हैं, और ये मान रहे हैं कि भाई हम सेंचुरी हम मरे। एक मिनट, हम आपसे बैट्समैन को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो 2020 में होने वाला है, मुख्यमंत्री का पद का जो दावेदार होता है वो नीतीश कुमार है या तेजस्वी यादव? मेरे तरफ से तो नीतीश कुमार और हमेशा है। क्यों? क्योंकि बहुत विकास पुरुष हैं और उनका नाम ही है विकास पुरुष। चलिए भाई, ये तो विकास पुरुष का नाम ले लिए हैं, और देखिए 50 रन बना लिए हैं, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि भाई मेरे तरफ से रहेगा नीतीश कुमार। एक लड़ाइए, बताइए 2020 का चुनाव में मुख्यमंत्री कौन, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव। देखिए बहुत यंग है और ये के हाथ में बॉल लिए हुए हैं, बोले खुद बोले हैं क्या कि भाई तेजस्वी यादव क्यों नहीं? अभी नीतीश कुमार का ऐसा बन नहीं पाएगा, थोड़ा सा उन लोगों का पार्टी के भी सपोर्ट नहीं होगा, ये लोग सारे एक साथ मिल गए हैं, इसलिए अभी तेजस्वी यादव ले सकते हैं। अच्छा, इसीलिए तेजस्वी यादव लग रहा है। चलिए भाई, यहाँ भी बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का दावेदार है, क्योंकि ये ऐसा स्थान है, ये पटना का गांधी मैदान, ये ऐतिहासिक जो स्थान जो आप देख रहे हैं, शपथ जो समारोह जो होता है मुख्यमंत्री का होता है, इसी मंच से होता है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी मंच बिल्कुल सुना है, इस सुना को भरपाई करने के लिए हम यहाँ के मतदाताओं लोग से भी जानकारी लेने के लिए आए हैं कि 2020 का ये मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव। चलते हैं और यंगस्टर लोग से भी जानकारी ले लेते हैं। विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसका मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव?
क्यों? क्योंकि वो अच्छे नेता है और हमारे बीच बहुत काम भी किए हैं। तेजस्वी यादव नहीं हमारे ख्याल से, आपके ख्याल से हो सकते हैं। मतलब आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार ही? क्या नाम हुआ आपका? मेरा अजय। आप बताइए जी। मेरे ख्याल से ये जनता पे डिपेंड करता है। जनता? आप तो जनता ही है जी। हाँ, तो इसके लिए अपना खुद का इमेज होना चाहिए। बताइए, जैसे नीतीश कुमार का इमेज है वैसे अभी तेजस्वी का नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से परफेक्ट नहीं है। चलिए, धन्यवाद आप दोनों का। क्योंकि यहाँ भी लोग कह रहे हैं भाई कि जो विकल्प जो देखा जा रहा है बिहार का मुख्यमंत्री का, वो है नीतीश कुमार का है। हम यहाँ का जो एक फील्डर जो है क्रिकेट का, जो फील्डिंग जो करते हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। भाई देखिए, वो भाग दौड़ में लगे हुए हैं, तो ऐसे ही लोग पूछते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। बिहार विधानसभा 2020 का किसका उपाधि मिलने वाला है मुख्यमंत्री का, नीतीश कुमार का या फिर तेजस्वी यादव? ऐसे ही ओपिनियन यहाँ तमाम लोगों से हम जानकारी लेते रहेंगे। और ये 2019 का ये लोकसभा हमसे, हम अपने छात्र से भी जानकारी ले लेते हैं। एक मिनट आ जाइएगा, सबसे पहले अपना नाम बताइए। आप लोग आ जाइए, एक मिनट अपने ओपिनियन दीजिए, नाम बताइए अपना। संदीप। संदीप जी बताइए कि आप तमाम के जितने टीम ग्रुप हैं सब बताएंगे कि 2019 में लोकसभा का चुनाव होने वाली है, ठीक है? सबको मालूम ही है, मालूम है। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी और बहुत लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, आपका ख्याल क्या आ रहा है ये बता दीजिए जरा। ये बताइए, बताइए सब लोग बताइए। तो नरेंद्र मोदी लग रहे हैं हमको, नरेंद्र मोदी लग रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी में खासियत है? तीन स्टेट हार चुके हैं, हार चुके हैं तीन स्टेट, सही बात है। क्योंकि हमको जहाँ तक लग रहा है नरेंद्र मोदी। अच्छा, आप बताइए। हमको तो राहुल गांधी लग रहा है। अच्छा, आप बताइए। राहुल गांधी। आप? नरेंद्र मोदी। देखिए भाई, यहाँ की जो भी टीम है भाई, ये तो अपने साथी अपने ग्रुप के तो है ही, लेकिन जो मत जो है वो अलग अलग है, कोई राहुल गांधी तो कोई नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ऐसे ही यहाँ पर ये आपको देखने का मिलेगा वेब समाचार में, यूट्यूब चैनल पर, कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी में किसकी टक्कर, किसकी जीत होती है 2019 का लोकसभा के चुनाव में। चलिए ऐसे ही और लोगों से जानकारी लेते हैं। लोकसभा के चुनाव 2019 में आने वाले हैं, ठीक है? तो बहुत लोग का मत है कि राहुल गांधी और बहुत लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, आपका क्या ख्याल आ रहा है बताइए? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं नाम आयुष राज है। अच्छा, एक्चुअली दोनों जो पॉलिटिकल पार्टी दोनों अभी एडुकेट उस हिसाब से अभी नहीं चल रहा है। मतलब कि जो बीजेपी भी है, बीजेपी का जो गवर्नमेंट है वो नो डाउट कि अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन फिर भी जो हम लोग का जो डिजायर्ड कैंडिडेट होने चाहिए वो दोनों अप टू द मार्क कोई नहीं है, ठीक है? राहुल गांधी जी भी हैं, राहुल गांधी जी भी मतलब कि इतने मैच्योर नहीं है अभी कि उनको पूरा देश का सत्ता उनके हाथ में दे दिया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी हैं फार बेटर, उनसे तो अच्छे ही हैं अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन जी। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? सुनैना। आप बताइए सुनैना जी, आप तो स्टूडेंट्स हैं और ये लोकसभा का जो चुनाव होता है पूरे देश की निगाहें रहती है, तो और यहाँ दो ही जो लीडर जो है उनकी लड़ाई है, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी। ऐसा नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट बंदा भी आ सकता है सामने, ऐसा नहीं। इट इज अप टू अस, हम इलेक्ट करते ना, कोई जरूरी नहीं है ना कि बस ये दोनों ही गेम में है। और भी कोई बंदा है जो इंडिपेंडेंटली सामने आए, जो कि लगे कि हाँ ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है, वी कैन गो फॉर दैट। नहीं तो अभी तो बहुत समय तो बहुत कम है, तो अब तक कोई बंदा, तीसरा बंदा तो कोई आया नहीं है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी एंड कांग्रेस इज कंसर्न? कांग्रेस इज अ वेरी गुड पार्टी एंड बीजेपी ऑल्सो इज वेरी गुड, बट जो कैंडिडेट उन्होंने चुन के रखा है प्रेसिडेंट जो पीएम के लिए, राहुल गांधी, आई डोंट थिंक ही इज दैट मच मैच्योर और दैट मच कंसीडरेबल कि हम उनको चुने। और इतना ही कांट राइट अ कंडोलम इन नेपाल विदाउट सीइंग हिज फोन, हाउ कैन वी ट्रस्ट हिम टू रन द कंट्री? वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही जितने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का एक अहम भूमिका होती है और चुनाव में देखना है कि राहुल गांधी की जीत होती है या फिर नरेंद्र मोदी के। ऐसे ही पटना के आप देख सकते हैं तमाम जितने भी गांधी नाम जितने भी मतदाता भी है, आप इसमें कह सकते हैं घूमने वाले भी स्टूडेंट्स हैं। देखिए मुस्कुराते हुए लोग आते हैं, पूछते हैं और बतलाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंदन जी। चंदन जी बतलाइए, आप पटना के गांधी मैदान में आए हैं, ये लोकसभा के चुनाव
बिल्कुल हेडअप हो गया है ना। सही बात। तो 2019 में क्या है, किसकी सरकार है, नरेंद्र मोदी की है कि या फिर राहुल गांधी? देखिए मेरी जहाँ तक बात है कि नरेंद्र मोदी इस देश के लिए कहीं ना कहीं अच्छे हैं, लीडर हैं अभी तक। राहुल गांधी को ऐसे लीडर को देश में अपने देश को नहीं दे सकते, उनके एक्सपीरियंस भी नहीं है कुछ। नरेंद्र मोदी हैज़ गॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड जहाँ तक हमको लगता है कि देश विदेश में जाके अपना रिलेशन इंडिया से बहुत बढ़िया बना रहे हैं, इसलिए हमको नरेंद्र मोदी का जाना था। आप बताइए। मेरा नाम प्रियांशु कुमार है जी। यहाँ पर जैसे कि हम बात करें राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के बारे में, तो यहाँ पर हमको जहाँ तक लगता है कि दोनों लीडर एक दूसरे के डिफेंडर हैं। तो नरेंद्र मोदी का हम जहाँ तक हम मैंने 4 साल देखा है, 4 साल में नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं देश के लिए, जो कि हर एक आदमी को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे विदेश यात्रा की है और वहाँ पर जाकर उन्होंने अच्छे अच्छे मतलब कि देश के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढे कि देश कैसे डेवलप हो सकता है, देश की इकॉनमी कैसे डेवलप हो सकती है। उन्होंने सारे मतलब विदेश जाकर उन्होंने ये सारे बहुत अच्छे अच्छे काम किए, हमें ये समझना चाहिए। और जहाँ तक बात रही इकॉनमी के लिए भी नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जो कि दिखता नहीं है पर जो समझना चाहेगा वो समझ सकता है कि वो किस तरह का डेवलपमेंट चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि देश का मतलब जड़ से देश मजबूत हो। ये 3 स्टेट हार गया, इसके क्या बात? जो 3 स्टेट हारे हैं उसमें कुछ ना कुछ हो सकती है, गलती हो सकती है, क्योंकि वो भी एक पार्टी है। तो नरेंद्र मोदी अकेले आदमी तो सारे जगह नहीं सब कुछ कर सकते हैं। हम जानते हैं कि वो एक ईमानदार आदमी है पर वो सभी जगह सब काम तो नहीं कर सकते। उसके लिए जो स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके भी कुछ दायित्व होते हैं, उन्हें निभाना पड़ेगा। अगर नहीं निभाएंगे तो फिर वो चुनाव हारे। आप बताइए क्या नाम हुआ? नाम हुआ मगर ठंडे ज़्यादा लग रहा है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ। बताइए लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है, राहुल गांधी कि नरेंद्र मोदी? नहीं नहीं, मैं नरेंद्र मोदी के पक्ष में हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक अच्छे लीडर है राहुल गांधी की अपेक्षा, जिनमें हर क्वालिटी है। जो कि सबसे अच्छी उनकी क्वालिटी है हमको लगी कि वो 4 साल के अंदर बहुत सारे देश की यात्रा की है, क्योंकि डिफरेंट देश में जाके घूमे, क्या वहाँ का एनवायरमेंट है वो अपने देश में लाने की कोशिश की है, यही उनमें सबसे अच्छी क्वालिटी लगी। फिर से वो स्किल इंडिया के लिए बहुत सारा काम किया, फिर से बिजनेस को अपॉर्चुनिटी बिजनेस के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिए हैं कि लोग हमारा एम्प्लॉयमेंट ढूंढे, नहीं लोग रोजगार को उत्पन्न करें लोगों, जिससे कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। बहुत सारी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ क्या यहाँ क्योंकि आए हैं? अभी तो हम लोग आ रहे हैं होटल मौर्या से। अच्छा, वहाँ पे एक इवेंट था डीजे का। अच्छा अच्छा, वही अटेंड करके अभी आ रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर मिलेंगे कि 2019 का लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी। लाइए 2019 के चुनाव में जो लोकसभा के होने वाली है, राहुल गांधी के नरेंद्र मोदी, हम तो इसमें अभी नहीं बता सकते काहे कि अभी हम नहीं घुसना चाहते। क्या चीज़ में घुसना चाहते हैं, मतलब क्या किस चीज़ में? चुनाव में वोट नहीं देते हैं? नहीं, अभी मेरा एज अभी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आप बताइए क्या नाम हुआ? मुमताज अली। बताइए कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी आने वाला है? कौन प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? कुछ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री भी नहीं बनाना चाहते हैं? चाहते हैं। किसको? राहुल गांधी को। चलिए भाई बहुत अच्छा ओपिनियन है कि प्रधानमंत्री अभी कुछ नहीं बनाना चाहते, फिर कहते हैं कि हाँ राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं। जी नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? अमन जी। बताइए, अमन अमन होता है। ये बताइए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी कौन प्रधानमंत्री बने? नरेंद्र मोदी का तो बहुत देखिए सुपरा साहब 3-4-5 स्टेट में भैया ही है। अच्छा, राहुल गांधी का ज़्यादा चांस अभी लग रहा है, लेकिन जियो वाला बोल रहा है कि ये भाजपा को वोट नहीं दिए तो पूरा जियो सिम फ्री देना बंद कर देंगे। अच्छा, तो फिर इसमें पूरा कांग्रेसों को पता साफ हो जाता है, इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी आप कुछ वेट कीजिए, 5-6 महीना का भी टाइम है। तो क्या और कोई तीसरा कोई शख्स आने वाला है क्या? तीसरा तो आने वाला नहीं है, होगा वही सब में सर, वही दोनों में से होगा, तीसरा कहाँ से? आपको क्या लग रहा है अभी तक? तो कुछ अनुमान होगा ना कि हमको ये लग रहा है कि ये बनेगा? बनेगा, अब देखिए मोदी का तो कम चांस है, राहुल गांधी इधर से बने, लेकिन इधर से महागठबंधन करके देखिए इसमें क्या होता है। अच्छा, तो अभी इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन बनेगा भाई। महागठबंधन है, राहुल गांधी बनते हैं
कि नरेंद्र मोदी महागठबंधन से उन्होंने सब आ गया उन्होंने ममतो करे कि हमू बने अच्छा, से साउथ वाला है जो ये सब तमिलनाडु वगैरह तेलंगाना के हो गया सीएम करा हमू बने अन्ना 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 हाँ वो सब करा हमू बनेंगे फिर ऐसा अखिलेश यादव यू कह रहा जर्मनी आ गया अब देखिए क्या कंक्लूजन निकलता है तो दो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है क्या दो प्रधानमंत्री कैसे बन गया नहीं ना चलिए बहुत अच्छा 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 चलिए बहुत बढ़िया बात है कि भाई देखिए बहुत तरह के लोग यहाँ कह रहे हैं कि ममता बनर्जी भी आ गए हैं साउथ से आ गए अन्ना भी आ गए हैं बहुत तरह के अखिलेश यादव आ गए तो आप भी पूछ लिए हैं कि दो दो प्रधानमंत्री बन सकता है कि नहीं तो बोले क्या नहीं दो कैसे बन सकता है हम तो देखे ना यहाँ का ओपिनियन पटना के गांधी मैदान का अरे भैया अरे हम तो जानकारी लेने के लिए आए हैं कि 2019 का लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी बनेंगे कि नरेंद्र मोदी हाँ ये हमारा है वेबसाइट या अरे वेब समाचार 24/7 सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक तभी ना मजा आएगा खूब लाएंगे तब तक हम आपसे विदा लेते हैं प्रणाम।